हेलो मैम, तो क्या करवाना है आपको? आईब्रोज करवानी है क्या? हैव योर सीट प्लीज। मैम पीछे होइए, ये वाली आईब्रो पकड़िए। ऐसे नहीं मैम, ऐसे पकड़िए। मैम आपका ये फर्स्ट टाइम है ना? ओके ओके आइए। ओके डन। मैम आपके ना अपर लिप्स भी आ रहे हैं, क्या वो भी कर दो? ओके मैम, इट्स डन। मैम आपके हाथ में ना ग्रोथ बहुत है, आप वैक्स वगैरह नहीं करवाते क्या? आपको तो वैक्स भी कर दूं। सच बताइए आपका फर्स्ट टाइम है ना? ओके तो मैम आपके ना 100 रुपीज हो गए, प्लीज आप काउंटर पे जमा करा दीजिएगा। अरे मैम चेंज तो लेते जाइए। पैसे देगी, लेके भी नहीं गई पागल लड़की। अच्छा दे गई। हेलो मैम, वेलकम टू अवर पार्लर। हेलो, तो बताइए क्या करवाना है आपको? मुझे ना हेयर कलर करवाने हैं। ओके प्लीज कम आइए। तो बताइए मैम कौन सा कलर करवाना है आपको? मुझे ना अपने हेयर रेड कलर के करवाने हैं, तो आप रेड कलर के कर दो। प्योर रेड? हाँ प्योर रेड। लेकिन मैम प्योर रेड आप पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अरे जब मैं कह रही हूँ कि आप कर दो तो आप कर दो ना। और वैसे भी मैं ना शॉर्ट वीडियोस बनाती हूँ, तो आजकल मैंने देखा है ट्रेंड चला हुआ है, लोग जो है शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं तो सब रेड हेयर ही करवाते हैं, तो आप मेरा भी कर दो। ओके मैम मैं कर देती हूँ रेड। वाओ मैम ये कौन सी ऐप है? वीडियो क्वालिटी तो बहुत अच्छी है इसकी। अरे ये अप्लाई ऐप है जिसमें 19 मिलियन से भी ज्यादा स्ट्रीमर्स हैं और 230 मिलियन से भी ज्यादा लोग। इसमें तुम 150 कंट्रीज के नए लोगों से भी मिल सकते हो और नए फ्रेंड्स बना सकते हो, और लोग अपने टैलेंट को भी अपलोड करते हैं। अरे वाह, तो इस ऐप से हम किसी से भी चैट कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल। और अगर तुम्हें लैटिन कल्चर पसंद है तो तुम उनकी डांस वीडियोस भी देख सकते हो और चैट भी कर सकते हो स्पेनिश में। और अगर तुम्हें एशियन कल्चर पसंद है तो तुम उनसे कोरियन में भी बात कर सकते हो। और अगर तुम्हें अमेरिकन लैंग्वेज पसंद है तो तुम्हें सुंदर लड़के और लड़कियां मिल सकते हैं बात करने के लिए, और तुम्हें पता है वो तुम्हारे लिए इंग्लिश में गाने भी गाएंगे। लेकिन मुझे तो सिर्फ हिंदी आती है,
मैं इतनी अलग लैंग्वेज में उनसे कैसे बात कर पाऊंगी? अरे तुम लैंग्वेज की टेंशन मत लो, अप्लाई तुम्हारी लैंग्वेज को उनकी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देगा, जिससे तुम इजिली चैट कर पाओगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। और क्या क्या फैसिलिटीज है इस ऐप में? तुम इस ऐप से अपने मन पसंद इंसान को गिफ्ट भी भिजवा सकती हो, और तो और इसमें बहुत सारे मिनी गेम्स है जिससे तुम कभी भी बोर नहीं होगी। वाओ, मैं अभी इस ऐप को डाउनलोड करती हूँ। हाँ हाँ करो करो। ओके डन मैम। अरे ये क्या कर दिया तुमने, ये तो मुझ पे बिल्कुल अच्छा ही नहीं लग रहा है, ये तो सूट ही नहीं कर रहा है। मैम मैंने तो पहले ही बोला था कि रेड कलर सूट नहीं करेगा आप पर, बट यू सेड कि रेड ही कर दो। हाँ तो अब क्या करूँ मैं इसका, ये तो मुझ पे बिल्कुल सूट ही नहीं कर रहा है। आप एक काम करो, इसको ना वापस से ब्लैक कर दो, बिल्कुल मजा नहीं आया। ओके मैम। ओके डन मैम। अरे ये क्या, ये तो फिर से पहले जैसे हो गए, ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैंने इसमें कुछ करवा रखा है। अब मैं बाहर जाऊंगी तो मैं अपने फ्रेंड्स को क्या कहूंगी, मैं पार्लर गई और मैंने कुछ करवाया ही नहीं। तो मैम फिर आप ही बता दीजिए कि क्या करूं मैं। तुम ना एक काम करो, इसको ना गोल्डन कर दो। हाँ गोल्डन। आर यू श्योर मैम, गोल्डन कर दूं? हाँ पूरे गोल्डन। बट मैम मेरे हिसाब से आपको हाइलाइट्स करवाने चाहिए, पूरे गोल्डन अच्छे नहीं लगेंगे मैम। अरे जब मैं तुम्हें कह रही हूँ कि गोल्डन कर दो तो कर दो ना, आई एम श्योर कि मुझ पे गोल्डन अच्छे लगेंगे, तुम कर दो बस। ओके इट्स डन एंड मैम अब देखिए। अरे ये क्या, ये तो मेरे पे बिल्कुल भी सूट ही नहीं कर रहे हैं। मैम मैंने आपको कहा था कि फुल गोल्डन आप पर सूट नहीं करेंगे, आप हाइलाइट्स कराइए। अब क्या करूं मैं? अब ना तुम एक काम करो, ये कलर वगैरह छोड़ो, तुम ना इसको वापस से ब्लैक करके शॉर्ट कर दो। हाँ आजकल ना शॉर्ट का बहुत ही ट्रेंड चला हुआ है, यहाँ यहाँ तक कर दो, यहाँ यहाँ तक। इट्स डन। अरे ये क्या कर दिया, अब मेरे पूरे बाल बॉय कट कर दिए, अब मैं लड़की कम और लड़का ज्यादा लग रही हूँ, मुझे पूरा जस्टिन बीबर बना दिया। लेकिन मैम आपने ही तो कहा था कि छोटे कर दो, छोटे कर दो, छोटे कर दो, कर दिया छोटे मैंने। तो अब क्या करूं मैं, इसका कोई सलूशन है? मैम इसका कोई सलूशन नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। एक काम करो, वो हाँ एक्सटेंशन आते हैं ना, वो इसको ना वापस से एक्सटेंशन लगा के लॉन्ग कर दो। हाँ परमानेंट एक्सटेंशन लगा दो तुम। अरे और अभी के अभी निकल यहाँ से, अभी के अभी निकल, मुझे करना ही नहीं तेरा कोई काम, तू निकल। है नहीं मुझे कुछ करना ही नहीं है तेरा, तू खड़े हो और निकल यहाँ से। अरे but why I'm paying you? नहीं चाहिए तेरे पैसे, तू अभी के अभी निकल, कभी रेड कर दो, कभी गोल्डन कर दो, कभी शॉर्ट कर दो, कभी लॉन्ग कर दो, 36 चीजें करवा चुकी, किसी चीज में सेटिस्फेक्शन नहीं है। अबे मेरे और भी कस्टमर्स हैं, तेरे ऊपर सारा टाइम थोड़ी फोड़ूंगी मैं। और सुन एक काम कर, तू ना ये 10 रुपए ले, बाहर में नदीम नहीं बैठा होगा, उससे करवा लियो तू हेयर कट, उससे मिलेगा तुझे सेटिस्फेक्शन। गेट लॉस्ट, निकल यहाँ से। आरती अभी के अभी खड़ी हो और चल यहाँ से निकल। आरती लेके जाओ इसको। ओके 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 आई एम गोइंग। दिमाग खराब करके रख दिया। अरे दीदी आपको पता है मैं तो ना बस आपके ही पार्लर में आती हूँ, आप इतना अच्छा काम जो करते हो, आप चार्जेस भी कुछ ज्यादा नहीं लेते और काम भी इतना क्लीनली एंड प्योरली करते हो। और दीदी आपको पता है मेरे घर के आसपास कितने सारे पार्लर खुल गए हैं, लेकिन मैं वहां नहीं जाती, मैं अपने घर से इतनी दूर 20 किलोमीटर दूर चल के आपके पास आती हूँ। अरे आखिर दीदी आप काम ही इतना अच्छा करते हो इसलिए मैं आपके ही पार्लर में आती हूँ। और देखो दीदी आप ना मुझे पेडिक्योर में डिस्काउंट जरूर देना, क्योंकि मैं सिर्फ आपके ही पार्लर में आती हूँ। अरे दीदी वो जो मेरी फ्रेंड है ना, अरे वो जो मेरे साथ कॉलेज जाती है, वो मुझे बता रही थी कि वहीं आसपास एक न्यू पार्लर खुला है, तो उनको अपना अपने नए कस्टमर्स बनाने हैं, तो वो बहुत ही चीप रेट में पेडिक्योर, मैनिक्योर, आईब्रो, अपर लिप्स, हेयर स्पा और पता नहीं क्या फलाना ढिकाना सारी चीजें दे रहे हैं, लेकिन मैं नहीं गई उनके यहाँ, मैं क्यों जाऊँ?
क्योंकि मैं तो सिर्फ आपके ही पार्लर में आती हूँ। और दीदी आपको पता है वो तो पता नहीं कौन कौन सी चीजें कॉम्प्लीमेंट्री भी दे रहे हैं, मुझे तो उन सब चीजों का नाम तक नहीं पता। पर मुझे क्या करना है, मैं तो सिर्फ आपके ही पार्लर में आती हूँ। आप कितनी स्वीट हो, कितने अच्छे से काम करती हो। देखो दीदी आप ना मुझसे ज्यादा पैसे मत लेना, क्योंकि मैं तो सिर्फ आपके ही पार्लर में आती हूँ। आपका हो गया। अरे वाह हो गया। अरे दीदी आपने तो मेरे पैर कितने सुंदर बना दिए, ये तो कितने अच्छे लग रहे हैं। तो बताओ दीदी कितने पैसे हुए? आपके 1000 रुपए हुए। क्या 1000 रुपए? हाँ तो यहाँ पे पेडिक्योर का रेट 1000 रुपए ही है बेटा। अरे दीदी इतने ज्यादा पैसे थोड़ी ना होते हैं, मतलब आप मुझसे भी इतने ज्यादा पैसे लोगे? दीदी मैं तो सिर्फ आपके पार्लर में आती हूँ। बेटा आप सिर्फ मेरे पार्लर में आते हो, लेकिन उससे खर्चा तो उतना ही होता है ना, खर्चा तो कम नहीं होता। मतलब इतनी देर से मेरा आपको मक्खन लगाने का कोई फायदा नहीं हुआ? कितने गंदे पैर कर रखे हैं तुमने मेरे। ऐसे कोई पेडिक्योर करता है? इतना घटिया पार्लर है ये, मुझे आज के बाद इस पार्लर में आना ही नहीं है। क्यों आई मैं? रुको जरा। आज के बाद आने की जरूरत भी नहीं है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। हेलो जी। हेलो मैम, प्लीज कम। तो बताइए क्या करवाना है आपको? जी वो आपके पास दाग हटाने वाला फेशियल है क्या? जी मैम बिल्कुल है। कितने का है? सिर्फ 1500 रुपए। OMG 1500 रुपए! अच्छा वो ये मेरे बाल है ना बहुत डैमेज हो गए हैं, इनका कुछ हो सकता है क्या, कोई तरीका है क्या? बिल्कुल मैम, आप इसमें कलरिंग करवा लीजिए, आपके बाल अच्छे हो जाएंगे और स्मूथ भी हो जाएंगे। अच्छा तो अगर मैं कलर करवा लूंगी तो ये सफेद बाल हट जाएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल मैम, सब हट जाएंगे। अच्छा ये देखो ना मेरे नेल्स खराब हो गए हैं, ये वाला तो टूट ही गया है, इनका कुछ हो सकता है क्या? जी मैम बिल्कुल हो सकता है, इसमें ना आप नेल एक्सटेंशन करवा सकती हैं, आपके नेल्स बहुत खूबसूरत दिखेंगे। अच्छा ये ना ये मैंने वैक्स किया था, घर पे किया था खुद से, तो यहाँ पे थोड़ा सा जल गया था तो देखो दाग रह गया है, तो ऐसा कुछ हो सकता है क्या कि ये दाग चला जाए? बिल्कुल मैम सब कुछ हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, लेकिन आप ये तो डिसाइड करिए कि आपको करवाना क्या है। अच्छा कितना खर्चा देना पड़ेगा? किस चीज का मैम? फेशियल का और नेल्स का और मेरे बालों का और आईब्रोज का। तो इन सब में कितने पैसे लग जाएंगे? इन सब में मैम एटलीस्ट आपका 6-7 हज़ार रुपए का खर्चा आ जाएगा। अच्छा ठीक है। वैसे ये पार्लर नया है क्या? बहुत अच्छा बना है। जी मैम थैंक यू सो मच। वैसे इसको बनाने में कितने पैसे लगे होंगे? जी एक्चुअली इसमें बहुत खर्चा हो गया था। अच्छा अच्छा सैलरी भी बहुत होगी आपकी। मैडम कहाँ है आपकी? वो एक्चुअली बाहर गई हैं, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगी, उनके और भी थोड़े बिजनेस है ना इस वजह से। अच्छा वैसे आपकी स्किन तो बहुत अच्छी है, कौन सा फेशियल यूज करती हैं आप? वो मैम मैम आप बताइए ना ये आपको कौन सा करवाना है? मुझे ना आपकी जैसी स्किन चाहिए, मुझे ना आपके जैसे करवाना है। अच्छा अरे वो आजकल नया फेशियल आया है ना, वो बिल्कुल नया वाला, पता नहीं क्या कहते हैं वो, अरे जिससे एकदम से वाइट हो जाते हैं, वो वाला है आपके पास? हाँ मैम वो भी है, पर आपको कौन सा करवाना है? अरे वो जो एक ही बार में एक एक बाल बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं, वो जादू वाली चीज, वो क्या है वो? मैम सब कुछ हो जाएगा, आपकी स्किन भी ग्लो हो जाएगी, आपके नेल्स एक्सटेंशन भी हो जाएंगे, आपके बालों में कलरिंग भी हो जाएगी, लेकिन आप ये तो डिसाइड करिए कि आपको करवाना क्या है। देखो मुझे ना सब कुछ करवाना है, मुझे ना मेकअप का पूछना था, आप ब्राइडल मेकअप का कितना चार्ज करते हो? वो शादी है ना मेरी बहन की, मुझे थोड़ा खूबसूरत लगना है, मतलब मैं कैसे दिखूंगी, शादी है ना वो बहन की, देखो मेरे फेस पे कितने दाग वगैरह हो रहे हैं। मैम सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आप अभी यहाँ क्या करवाने आई हैं? अभी तो ना मुझे सिर्फ आईब्रोज ही करवानी थी। ठीक है वहां बैठिए। अरे थोड़ा आराम से करो ना। जी मैम। अरे बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा आराम से धागा चलाओ ना। जी मैम। अरे बहुत बुरी तरीके से कर रहे हो आप, देखो पूरा रेड कर दिया। मैम अभी तो धागा लगाया भी नहीं है। अच्छा
ठीक है फिर थोड़ा आराम से ही करना। अरे ये क्या किया, पूरा रेड रेड हो रहा है। ओएमजी मेरी स्किन। एक मिनट, ये कॉटन क्लीन तो है ना? वो एक्चुअली ना मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है। ज्यादा गर्म तो नहीं है ना? और ज्यादा फूंक मारो। गर्म तो नहीं है ना ये पक्का? अरे ये बहुत गर्म है, प्लीज टेम्परेचर थोड़ा लो करो, मेरी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। मैम टेम्परेचर ऑलरेडी लो है। हाँ तो उसको बंद करो ना। ओके मैम। अरे ये क्या कर रहे हो, देखो पूरे रैशेस पड़ रहे हैं, पूरा रेड हो रहा है। अरे आराम से करो ना प्लीज, मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, मुझे दर्द हो रहा है। अरे क्या कर रहे हो, पानी बहुत ठंडा है, इसको प्लीज थोड़ा सा गर्म करो। अरे क्या कर दिया, अब तो पूरा उबाल ही दिया, ये बहुत ज्यादा गर्म है, इसको नॉर्मल करो। एक मिनट, ये कौन सा शैम्पू है? आई मीन इसमें कोई केमिकल तो नहीं है ना? वो एक्चुअली ना मेरे हेयर बहुत सेंसिटिव है, तो मैं अपने हेयर का बहुत ख्याल रखती हूँ। एक मिनट, ये टॉवल क्लीन तो है ना? जी मैम बिल्कुल फ्रेश टॉवल निकाला है मैंने। ओके अरे यार क्या कर रहे हो, इतने बाल खींच रहे हैं, तुम्हें कुछ भी करना नहीं आता है, क्यों आई मैं इस पार्लर में? एक मिनट के रख दिए मैम। एक मिनट मैम, एक मिनट, आप इतना हिलिए मत। ये कौन सी क्रीम है? एक मिनट, ये कौन सा स्क्रब है? तुम्हारे हाथ सैनिटाइज तो थे ना, वो क्या है ना मेरी स्किन है। हाँ हाँ मैम मुझे पता है आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, आपको रैशेज हो जाते हैं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। Hey cuties, I hope you enjoyed the video. अगर आपने सच में वीडियो को enjoy किया है तो लाइक करना, कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट जरूर बताना और मुझे ये भी कमेंट करना कि क्या आपने इस वीडियो को रिलेट किया है। स्पेशली गर्ल्स जरूर कमेंट करेंगे क्योंकि गर्ल्स के ही ऊपर ज्यादा है, वो ही रिलेट कर सकती हैं। तो इस वीडियो को शेयर भी कर देना और मेरा चैनल सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना। और हाँ गाइस एक चीज और, आप भी डाउनलोड कीजिए अप्लाइव ऐप, बहुत ही फेमस ऐप है, आप इस ऐप के थ्रू अदर कंट्रीज में बात कर सकते हैं और किसी भी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। तो जल्दी से डाउनलोड कीजिए अप्लाइव ऐप और जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आई मीन परी के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए बाय।